कोटा सिक्का नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा कोटा सिक्का है जो हर घर में आपको मिलेगा। हर माँ बाप अपने बेटे को कोटा सिक्का ही बोलता है। तो वो कोटा सिक्का बाद में जाके कैसे खरा सिक्का निकलता है, यही इस फिल्म में दर्शाया गया है। हेमंत पांडे जी इसमें मेरे चाचा के रोल में हैं, जो कि पूरी फिल्म के सूत्रधार हैं। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने भूमिका निभाई है, ऐसे ही हेमंत पांडे जी इस फिल्म में भूमिका निभा रहे हैं। हीरोइन आप देख रहे हैं नीलोफर जी हैं, रबने अपना दी जोड़ी शाहरुख खान के साथ जूनियर बच्चे के साथ आ गई हैं। तो आप मेरी हाइट देख रहे हैं 5'4" की, इनकी हाइट है 5'8" की। तो वही एक कॉमेडी मूवी है कि मैं इनको कैसे पटाऊँगा, मेरे पास क्या क्या फॉर्मूले हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। रिएक्शन मेरा स्क्रिप्ट को लेकर तो बहुत अच्छा था, हीरो को लेकर कुछ ज़्यादा डालम डोल था। तो मैंने जैसे इनको, पहले तो मुझे पता नहीं था हीरो कौन है, मुझे लगा कोई लंबा चौड़ा लड़का होगा। जैसे ही मैंने इनको देखा मैंने सीधे कह दिया ना मुझे नहीं करनी है। फिर बहुत सारे स्क्रिप्ट सेशंस हुए, मुझे एक्चुअली मैं लगा कि रोल बहुत डिफरेंट होगा। पहली बार आपको रोमांस के साथ डांस मिलेगा, उसमें भी कॉमेडी मिलेगी आपको। तो ये खोटा सिक्का खरा सिक्का कैसे बनता है फिल्म में आपको देखने को मिलेगा? देखिए मेरे इतने वर्षों के सिनेमा इतिहास में ये मेरी पहली ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो छोटा हीरोइन बड़ी, लेकिन प्रेम जहाँ आगे आ गया तो उसके आगे किसी की नहीं चलती, जाति हो धर्म हो कुछ भी हो परिवार हो। और एक संवाद मेरे अपने फिल्म का मुझे अच्छा लगता है जो टर्निंग पॉइंट होता है फिल्म का, हर माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है लेकिन जहाँ अभिमान आ जाता है, स्वाभिमान आ जाता है, ईगो आड़े आ जाता है, अपना स्टेटस आगे आ जाता है, तो वहाँ पर आप उस प्यार की कदर नहीं करते अपने होने वाले संतान की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खुश। तो वहाँ पे एक ही संवाद में बोलता हूँ कि या अल्लाह मैं बेऔलाद ही सही लेकिन तमाम उन औलाद वालों से तो बेहतर हूँ जो अपनी औलाद को अपने जिगर का टुकड़ा तो बोलते हैं लेकिन उस जिगर के टुकड़े की आवाज़ नहीं सुन सकते।